क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में कोई इंसान स्पाइडरमैन बन सकता है? मतलब किसी मकड़ी के काटने से क्या आप रियल लाइफ में स्पाइडरमैन बन सकते हो? स्पाइडरमैन की तरह दीवार पे चलना, हाथ से स्पाइडर की तरह स्पाइडर सिल्क निकालना, इतनी शक्तियां मिल जाना कि आप एक चलती ट्रेन को भी आराम से रोक दो, क्या ये सब सच में पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जैसा मूवी में दिखाया जाता है वैसे नहीं। आपने देखा होगा कि स्पाइडरमैन मूवी में एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर पीटर पार्कर को काट लेता है और उसे स्पाइडर की सारी शक्तियां मिल जाती हैं। तो इस तरह से स्पाइडरमैन बनना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि रेडिएशन की मदद से आपके डीएनए में चेंजेस लाके आपको एक सुपर हीरो बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही पावरफुल रेडिएशन की जरूरत होगी। अब जिनको नहीं पता कि रेडिएशन क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि रेडिएशन एक तरह की एनर्जी होती है जो वेव या पार्टिकल्स के रूप में हमेशा हमारे आसपास रहता है। लाइट, साउंड और हीट, ये सब भी एक तरह का रेडिएशन है। लेकिन अगर आप अपने शरीर के डीएनए में चेंजेस लाके स्पाइडरमैन की तरह सुपर पावर्स पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जिस तरह के रेडिएशन की जरूरत पड़ेगी वो सिर्फ आपको एक ही जगह से मिल सकती है, और वो है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। पृथ्वी के बाहर 600 से 12,000 माइल की ऊंचाई में स्थित ये जगह एटमॉस्फेयर का एक लेयर है। कॉस्मिक रेज, गामा रेज जैसे पावरफुल रेडिएशन इस लेयर से होकर गुजरते हैं। अब अगर आप इस जगह जाकर इन सब रेडिएशंस को अपने शरीर के अंदर से जाने दो, तो ये रेडिएशंस आपके डीएनए के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है, जिससे सारे एटम्स अलग अलग होने लगते हैं, डीएनए के केमिकल बॉन्ड्स टूटने लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ नए और अनोखे केमिकल बॉन्ड्स बनते भी हैं। आपका डीएनए कुछ अलग किस्म का डीएनए बन जाता है और आपको मिल जाता है कुछ सुपर नेचुरल एबिलिटीज। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर आपका डीएनए बाकी के सारे इंसानों से अलग हो जाता है, तो वो सेल जिसमें वो डीएनए मौजूद है वो एक तरह से सुइसाइड कर लेता है। मतलब वो सेल खुद अपने आप को मार लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि डीएनए में कुछ मिस्टेक हो रहा है। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में एपोप्टोसिस कहते हैं। और जब एपोप्टोसिस बिना किसी कारण के अपने आप ज्यादा मात्रा में होने लगता है, तब उसे हम कैंसर कहते हैं। इसका मतलब रेडिएशन से आपको कैंसर भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसा रास्ता भी है जिससे आपको स्पाइडर की सारी शक्तियां भी मिल जाएगी और आपको कैंसर भी नहीं होगा। वैसे तो एक मकड़ी के जहर में उतना ही रेडिएशन होता है जितना कि एक केले में होता है, तो एक मकड़ी के काटने से होने वाला तो कुछ है नहीं। बट फिर भी ये मान लेते हैं कि एक ऐसी मकड़ी है जिसके जहर में बहुत ही पावरफुल रेडिएशन है, तो अगर उस जहर के साथ रेट्रोवायरस नाम का एक वायरस मिलाकर आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए, तो आप एक स्पाइडरमैन बन सकते हो। कुछ साइंटिस्ट ने एक बकरी के ऊपर ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि वो बकरी अब दीवार पे चल पाती है या फिर अपने पैरों से स्पाइडर सिल्क निकालती है। वो ये सब सुपर नेचुरल चीजें भी कर पाती अगर स्पाइडर के जहर में रेडिएशन की मात्रा ज्यादा होती तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब सिर्फ मिल्क प्रोड्यूस करने के बजाय स्पाइडर सिल्क प्रोड्यूस करती है अपने मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड से। अभी तक किसी इंसान के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को नहीं किया गया इस डर से कि कुछ गलत ना हो जाए। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको सच में स्पाइडरमैन देखने को मिल जाए और मे बी आप खुद एक स्पाइडरमैन बन जाओ। एक और टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में किसी भी इंसान को स्पाइडरमैन बना सकता है, CRISPR नाम की टेक्नोलॉजी का यूज करके और CAS9 नाम की प्रोटीन की मदद से। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक जीव के डीएनए को कॉपी करके किसी दूसरे जीव में डालकर एक नए प्रकार का जीव बनाया जाए, जैसे कि स्पाइडर के डीएनए को कॉपी करके इंसान में डालकर स्पाइडरमैन बनाना। अगर ये कोशिश कामयाब हो गई तो फ्यूचर में इंसानों को स्पाइडरमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक, कॉमेंट और शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके रखना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना प्लीज यार।